एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युनसिंग दो गार्ड्स के साथ मिलकर उन तीन चोरों से रिलेटेड फाइल चेक कर रही थी। युनसिंग को यह समझ नहीं आता कि जब मॉक ने इतना सारा धमाका किया था तो उसे बहुत सारे गन पाउडर्स की ज़रूरत पड़ी होगी और बारूद आम लोग राजमहल में ऐसे ही नहीं ले जा सकते, तो मॉक को इतनी सारी बारूद कहाँ से मिली होगी। उसकी एक साथी बोलती है कि सिर्फ हाई ऑफिसर्स के पास ही गन पाउडर्स होती है। फिर युनसिंग को कुछ याद आता है और वो उन तीनों को सब कुछ अच्छी तरह से चेक करने को बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम दुआन और प्रिंसेस को देखते हैं जो नदी की सैर कर रहे थे। प्रिंसेस दुआन से उस प्लेस के बारे में पूछती है तो फिर दुआन को कुछ रियलाइज होता है और वो प्रिंसेस को वहीं पर इंतजार करने को बोलता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग दुआन का पीछा कर रहे थे। उनमें से एक आदमी वही था जो बहुत दिन से उन लोगों पर नजर रख रहा था। दुआन और उन लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है। दुआन सबको घायल कर देता है। वो जासूस दुआन को बताता है कि उसके मास्टर ने दुआन को इनवाइट किया है। दुआन उससे बोलता है, मैं किसी और दिन तुम्हारे लैंडलॉर्ड का मेहमान बनूंगा। वो जासूस उससे पूछता है, तुम हमारे मास्टर को कैसे जानते हो। फिर दुआन उसके पास से एक मून लॉकेट लेकर बोलता है, इस लॉकेट के ओनर ही तुम्हारे मास्टर है ना, मैं उसे ले जा रहा हूँ तोहफा समझ के। और फिर वो राजकुमारी के पास चला जाता है। प्रिंसेस उससे पूछती है कि वो लोग कौन है। दुआन उससे बोलता है, तुम उनके चिंता मत करो। दुआन उस लॉकेट को ध्यान से देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युनसिंग उस एक्सप्लोजन वाली जगह को चेक करने जा रही थी जहां मॉक ने धमाका किया था। रास्ते में उसे ऑफिसर मिलता है और वो युनसिंग को जनरल कमांडर की तलवार देखकर उसे युआन को देने को बोलता है। युनसिंग उस तलवार को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और ऑफिसर को शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें याओ चेन को दिखाया जाता है जो उस एक्सप्लोजन वाले जगह में जाने की कोशिश कर रहा था पर गार्ड्स उसे जाने नहीं दे रहे थे। तभी वहाँ युनसिंग उस प्लेस को इंस्पेक्ट करने आती है। याओ चेन उसे देखकर पुकारता है और युनसिंग उसे अंदर आने देती है। युनसिंग याओ चेन से युआन के बारे में पूछती है। याओ चेन उसे युआन के पास ले जाता है। युआन उसे धोखेबाज बुलाता है क्योंकि युनसिंग उस नॉर्थ जनरल के साथ मिलकर काम कर रही थी जिसने युआन के मरे हुए पिता की इतनी बेइज्जती की थी। युनसिंग युआन को उसके पिता की तलवार लौटा देती है। उस तलवार को देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर वो तीनों उस प्लेस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। युआन अभी भी युनसिंग से नाराज था। युनसिंग उसे बताती है कि राजमहल से तो बारूद गायब नहीं हुआ था तो मॉक ने कहाँ से इतना सारा पाउडर लाया होगा। युआन उसे बोलता है कि ये मत भूलो कि आर्मी के पास भी बारूद होती है। नॉर्थ जनरल हमेशा से मेरे पिता के खिलाफ थे, उसी ने ही मॉक की मदद की होगी। युनसिंग ये सुनकर बोलती है कि उसने तो खुद मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोला है, वो भला ऐसा क्यों करेगा। युआन बोलता है कि तुम उसके साइड हो या मेरे साइड, वो तो आज ही जनरल बना है तो तुम्हें उससे लॉयल होने की कोई जरूरत नहीं। युनसिंग उसको समझाने की कोशिश करती है पर युआन उसे पूछता है कि बताओ जरा उसने तुम्हें कितने पैसे खिलाए जो तुम उसकी तरफ हो गई। उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। याओ चेन उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है पर वो दोनों उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देते। युनसिंग उन दोनों को केयरफुल रहने को बोलकर वहां से चली जाती है। याओ चेन भी युआन को समझाकर वहां से ले जाता है। फॉक्स ये सब दूर से देख रही थी। वो देखती है कि एक गार्ड भी बंदूक पकड़कर उस पर ही नजर रख रहा था और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युआन और याओ चेन अंकल फू से मिलने जाते हैं। वो लोग दरवाजा नॉक करते हैं पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता तो वो लोग दीवार से कूद कर अंदर घुस आते हैं। वो लोग देखते हैं कि अंकल फू को वही जासूस ने बांध कर रखा था जिसने दुआन पर भी हमला किया था। वो जासूस उन पर अटैक करवा देता है। उन लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है। युआन उनसे लड़ता है। इधर याओ चेन उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि उनको कुछ सिग्नल मिलता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। याओ चेन उनका पीछा करने लगता है पर रास्ते में वो सू चेन को देख लेता है तो वो उनका पीछा नहीं कर पाता। इधर युआन अंकल फू को संभालता है।
अंकल फू युआन से जनरल के बारे में पूछता है और युआन बताता है कि वो ठीक है, आप मुझ पर विश्वास करो। फिर युआन अंकल फू से उन थीप्स के बारे में पूछता है। अंकल फू बताता है कि वो थीप्स जनरल के स्टडी रूम में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। याओचेन वहाँ आता है। युआन उनके एक वेपन को याओचेन को दिखाता है, पर याओचेन बोलता है कि ये वेपन यहाँ का नहीं है। फिर वो लोग जनरल यांग के स्टडी रूम पर जाते हैं। युआन जनरल के तलवार को जगह पर रखता है। युआन अपने पिता के स्टडी रूम के सीक्रेट डोर को खोलने की ट्राई करता है, पर खोल नहीं पाता। तब याओचेन ट्राई करता है और दरवाजा खुल जाता है। वो दोनों उस डोर के अंदर जाते हैं। वो लोग एक सीक्रेट रूम पर पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ एक बुक के अंदर एक लेटर मिलती है, पर याओचेन की गलती की वजह से वो लेटर थोड़ा जल जाता है। उस लेटर के अंदर एक पहेली लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि जब खोजला नाराज होता है तब उसमें कोई भी अंधा नहीं रहता। युआन उस पहेली को सुलझाने के लिए बुक में दिखता है जहाँ कुछ लोगों की डेथ्स लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि मार्च 12 को जब लॉर्ड चेन नदी पार कर रहे थे तब उनकी बोट नीचे डूब गई। युवा नोटिस करता है कि वहाँ पर जितने लोगों का भी नाम मेंशन है उन सब की डेथ एक्सीडेंटली हुई थी। तब युवान को पहली समझ आती है कि किसी की भी मौत एक्सीडेंटली नहीं हुई थी, बल्कि यह किसी की सोची छमछी चाल थी। याओचेन तभी उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ कुछ मिला क्या। युवान उसे आंसर देता है कि नहीं मिला। युवान सोचता है कि उसे अभी याओचेन को कुछ नहीं बताना चाहिए और वो लेटर अपने पास रख लेता है। वो दोनों फिर वहाँ से निकल आते हैं। रास्ते में उन्हें सुशैन मिलता है तो याओचेन पैर पर चढ़ जाता है, लेकिन पैर के ऊपर फॉक्स उसके गले पर तलवार रखकर उससे बोलती है कि देखो हम फिर से मिल गए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युआन फॉक्स को देख लेता है, पर फॉक्स उसे बोलती है कि अगर कुछ भी किया तो तुम्हारा फ्रेंड गया काम से। सुजैन के जाते ही फॉक्स और याओचेन के बीच लड़ाई हो जाती है। फॉक्स उसे नीचे गिरा देती है। वो दोनों मिलकर फॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी दो गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों वापस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। गार्ड्स के जाते ही फॉक्स उन दोनों को नीचे गिरा देती है। फॉक्स युआन के पिता की बेइज्जती करने लगती है और वापस उन तीनों में लड़ाई हो जाती है, पर वो दोनों मिलके भी जातिर फॉक्स को हरा नहीं पा रहे थे। इधर चैन उन्हें देख लेता है और वो तीनों वहाँ से भागकर एक घर के पीछे छुपते हैं। फॉक्स उन दोनों को पकड़ लेती है। गार्ड्स के जाने के बाद फॉक्स उन्हें छोड़ देती है और बोलती है कि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है, पर युआन उसकी बात नहीं सुनना चाहता था, पर याओचेन उसे रोकता है। फॉक्स उन्हें बताती है कि वो भी उस मॉन्क को ही ढूंढ रही है, क्योंकि मॉन्क सारा ब्लेम उस पर और दुआन पर डालना चाहता था। तो फॉक्स उनसे डील करती है कि वो उन्हें मॉन्क को ढूंढने में मदद करेगी, पर वो दोनों उस पर विश्वास नहीं करते। तब फॉक्स याओचेन का बेच लौटा देती है, साथ में उसे एक सांडिक का सिक्का भी देती है। इससे याओचेन बहुत खुश हो जाता है। फॉक्स उन्हें बताती है कि मॉन्क जरूर हंगवानदाम के पास क्या होगा। याओचेन बोलता है कि अरे ये तो खो स्ट्रीट में ही है ना। फॉक्स उन्हें खो स्ट्रीट में रात को मिलने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। याओचेन और युआन खो स्ट्रीट में ही उन तीन चोरों को पकड़ने का तय करते हैं। इसके बाद हमें योनसिंग को दिखाया जाता है जो वेयरहाउस के अंदर बारूद चेक करने के लिए गई थी, पर गार्ड उसे रोक लेता है और जनरल के ऑर्डर के बिना अंदर घुसने देने से मना करता है। योनसिंग वहाँ से कुछ सोच कर बाहर चली जाती है, लेकिन जब वो गार्ड्स बातें कर रहे थे तो वो चुपके से अंदर घुस जाती है। अंदर जाके वो रिपोर्ट देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि बहुत सारे गन पाउडर्स वहाँ से गायब थे। वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश करती है, पर गार्ड्स उसे देख लेते हैं, लेकिन वो उन तीनों को बेवकूफ बनाकर वहाँ से भाग जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।